कुछ टैब्स और आप कर सकते हैं अपने पीटी के एग्जाम फर्स्ट टाइम में ही क्लियर क्लियर। वेदर योर रिक्वायरमेंट इज 6 ईच, इट मे बी 6.5, इट मे बी 7 और 7 ईच, और मे बी 79+, और मे बी 8 ईच। प्लीज फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स एंड यू गेट योर डिजायर बैंड स्कोर इन फर्स्ट गो। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ मॉडरेट पेस। स्पीकिंग में कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रीड अलाउड में वो बहुत स्लो होते हैं, इट मीन या फिर मॉडरेट होते हैं, बट जैसे ही इमेजेस और रीड लेक्चर करते हैं वहाँ पर टेम्पलेट्स यूज़ किए जाते हैं, तो टेम्पलेट्स के कारण बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो स्पीकिंग का एक पेस होता है, जो फ्लुएंसी होती है, कहीं कम होती है कहीं ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो हमारा स्पीकिंग का स्कोर है कहीं ना कहीं अप डाउन होता है। सो प्लीज़ जब भी आप स्पीकिंग करते हैं, वेदर इट इज़ रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेजेस, रीड अ लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, प्लीज़ हैव सेम फ्लुएंसी थ्रू आउट योर स्पीकिंग टेस्ट। देन वी कम्स टू राइटिंग। राइटिंग में हमारे पास दो ही क्वेश्चन होते हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट एज वेल एज एसे। समराइज रिटन टेक्स्ट में जो वर्ड लिमिट होती है वो 5 to 75 वर्ड्स की होती है, एज यू ऑल नो दैट। 5 to 75 वर्ड्स के लिए जो हमारे पास एक गिवन टेक्स्ट होता है उसमें से ही, पैसेज में से ही कोई भी 3 to 4 लाइन्स उठाइए जहाँ से आपके अप टू 70 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। अराउंड 70, इट मे बी 69, इट मे बी 70, इट मे बी 71, इट मे बी 72। ट्राई करें कि 75 से एक दो वर्ड कम रहे, बट एज इट इज़ ही उठाना आपको, वहाँ से आपके फुल मार्क्स जाएंगे रीडिंग में एज वेल एज राइटिंग में, क्योंकि हमें पूरे पैसेज में से सिर्फ 3 लाइन्स उठानी है। इट मे बी फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, वो मैंडेटरी है, बट बीच में से भी आप कोई भी लाइन उठा सकते हैं जस्ट अपनी वर्ड लिमिट कंप्लीट करने के लिए। ज़रूरत नहीं है आपको कोई भी कनेक्टर ऐड करने की, कहीं पर भी कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की, जो भी टेक्स्ट दिया हुआ है एज इट इज़ आप उसको रखिए, 7 out of 7 ही आएंगे जितने भी आपके पास समराइज रिटन टेक्स्ट आते हैं। आजकल एग्जाम में 1 to 2 समराइज रिटन टेक्स्ट आते हैं, सो प्लीज़ प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट एसे। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि वो चाहते हैं कि जैसे वो खुद, जैसे कई स्टूडेंट होते हैं आइल्स का टेस्ट क्लियर नहीं होता तो वो पीटी में मूव कर जाते हैं, उनको लगता है कि पीटी थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू आइल्स आसान होता है तो हम पीटी करके देख लेते हैं। वहाँ पर उन्होंने राइटिंग ऐसे एक विदाउट फॉर्मेट्स किया हुआ होता है, तो वो चाहते हैं कि उनकी जो नॉलेज है वहाँ पर भी वैसे लगाएँ, बट कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल, कहीं ना कहीं वोकैबुलरी में, कहीं ना कहीं सेंटेंस स्ट्रक्चर में मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो प्लीज़ यूज़ टैम्पलेट फॉर राइट एन एसे इन पीटी। नेक्स्ट फॉर रीडिंग। रीडिंग के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से आप डेली बेसिस पे आपको रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड री ऑर्डर पैराग्राफ्स, जो मोस्ट प्रिडिक्टेड मटेरियल रहेगा जो आपके पेपर में आने वाला है। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर रीडिंग। देन लिसनिंग। लिसनिंग में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। समराइज स्पोकन टेक्स्ट के लिए भी आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेम्पलेट से आप कहीं ना कहीं फुल आउट ऑफ फुल, कहीं पर भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहेगा, क्योंकि जो समराइज स्पोकन टेक्स्ट होता है उसमें हमारे 2 पॉइंट्स जाते हैं कंटेंट से, 2 पॉइंट वोकेबुलरी, 2 पॉइंट ग्रामर, 2 पॉइंट स्पेलिंग एंड 2 पॉइंट फॉर्म्स। यहाँ पर हमें लिखने होते हैं 50 to 70 वर्ड्स, तो प्लीज़ आप पूरा 70 वर्ड्स ना लिखें, 68, 69 वर्ड्स पर ही अपनी जो सेंटेंसेज है उसको स्टॉप करें। नेक्स्ट, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, अनटिल अनलेस आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक करनी ही नहीं है, क्योंकि ये है आपका की टू सक्सेस। 10 out of 10 ही आएगा, आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। जो टेम्पलेट है वहाँ पे आपको ऑलरेडी सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया जाएगा, जस्ट आपको कीवर्ड्स उसके अंदर डालने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स राइट फ्रॉम डिक्टेशन, इनके लिए आपको स्पेशली स्पेलिंग्स के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि सम टाइम्स स्टूडेंट्स को सुन तो सही से जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या वर्ड लिखना है, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस की वजह से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लिसनिंग और राइटिंग का स्कोर खराब हो जाता है। सो प्लीज़ वर्क ऑन स्पेलिंग्स। देन राइट फ्रॉम डिक्टेशन, यू ऑल नो दैट इज़ द की टू सक्सेस। राइट फ्रॉम डिक्टेशन को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए, जो वीकली प्रेडिक्शन आती है, मंथली प्रेडिक्शन आती है, उसी को बार बार कीजिए, ताकि जो भी आपके जो मोस्ट रिपीटेड मटेरियल आता है जैसे ही आपके पास आए
आपका फुल आउट ऑफ फुल राइट फ्रॉम डिक्टेशन रहे। कोई जरूरत नहीं है हमें एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करने की, कुछ भी इधर उधर से लिखने की। अगर हम सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, देर आर अराउंड 200 to 300 सेंटेंसेस डेली बेसिस पे। अगर आप 20 सेंटेंसेस भी करते हैं, इट्स अराउंड 10 to 15 डेज वर्क। सो प्लीज प्रैक्टिस राइट फ्रॉम डिक्टेशंस डेली बेसिस पे, आप प्रैक्टिस कीजिए उनको। नेक्स्ट आपका हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स को आप जस्ट ध्यान से सुनिए, जहाँ जहाँ मिस्टेक्स है क्लिक करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपके अच्छे स्कोर आएंगे वहाँ से और आपका रीडिंग में भी स्कोर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। थैंक यू। दीज आर द टिप्स यू कैन गेट योर स्कोर इन फर्स्ट गो। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, फॉलो इंग्लिश स्टूडियो। थैंक यू। Like, share and subscribe the channel for upcoming videos, and also press the bell icon for notifications.